नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 9 बजे हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, आज तो पटना में एक बड़ी घटना घट गई। ठीक चुनाव के पहले, पाटलिपुत्र और पटना साहिब के चुनाव के पहले, एक छात्र नेता की हत्या कर दी गई है पटना विश्वविद्यालय में पीट पीट कर। और वो छात्र नेता जो सांभवी चौधरी समस्तीपुर में चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी, उनके बहुत करीब था, मतलब अशोक चौधरी की बिटिया के साथ था। और इसके बाद विश्वविद्यालय में हंगामा मच गया है, बाबेला मचा है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, कल विश्वविद्यालय बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा में कि बिहार को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा रही है। देश के बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो पिछले दिनों बिहार की यात्रा पर थे, उन्होंने कहा है बिहार में एनडीए को झटका लगने जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, योगेंद्र यादव जो चुनाव के बारे में अपनी भविष्यवाणियां करते रहते हैं, देश के पहले पोल स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि इतना बड़ा झटका है एनडीए को कि पूछिए मत। फिर हम चर्चा करेंगे कि आज राहुल गांधी बिहार में थे, 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, और जब पाटलिपुत्र में मीसा भारती के लिए वोट मांगने गए तो वहां मंच टूट गया और वे गिरते गिरते बचे। तो कई खबरें, राजनाथ सिंह आ रहे हैं काराकाट में 29 तारीख को, क्योंकि काराकाट में सारा दारोमदार उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य बचेगा या डूबेगा, राजपूत मतदाताओं पर आश्रित हो गया है। तो सबसे पहले पटना में मर्डर, आज एक छात्र नेता की हत्या हो गई, यह दुखद खबर है। और पाटलिपुत्र और पटना साहिब के चुनाव के पहले, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव है। जिस छात्र की हत्या हुई है उनका नाम हर्षराज बताया जा रहा है, बीएन कॉलेज के छात्र हैं और हत्या हुई है लॉ कॉलेज कैंपस में। क्या खबरें आ रही हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो प्रारंभिक जानकारी जो छन करके आ रही है, वह बीए के संभवतः छात्र थे और वह वहां पटना लॉ कॉलेज में आज शायद कोई एग्जाम था तो उस सिलसिले में गए थे और वो अपना अपनी वाहन को स्टार्ट कर रहे थे। उसी दरमियान उनको कुछ छात्रों ने घेर लिया और घेर करके उनकी जमकर आयरन रॉड सबसे पिटाई कर दी। जब तक उनके दोस्त दौड़ करके आते तब तक जो है सो, और इसमें लॉ कॉलेज की और पटेल छात्रावास के छात्रों की संलिप्तता बताई जा रही है। बिल्कुल जी, तो यह निश्चित रूप से यह दो गुट का ही झगड़ा मान लिया जाए तो वही दिखाई भी पड़ रहा है। हर्षराज के पिता अखबार के किसी अखबार के रिपोर्टर भी है, वैशाली जिले के रहने वाले हैं। जी जी, तो यह तो बड़ी घटना घट गई और इसके बाद पूरे पटना विश्वविद्यालय में तनाव है कैंपस में। कल परीक्षाएं, कल विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है, अगले आदेश तक परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, इन ये जो सांभवी चौधरी हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, अशोक चौधरी, उनकी बिटिया के चुनाव में एक सांभवी ने लिखा है और दुख व्यक्त किया है कि हमारे छोटे भाई भाई और बहन के बीच में जिस छोटे भाई की भूमिका में मेरे साथ पूरे चुनाव के दौरान रहेगी और ये जो मदद किया वह उसको नहीं भूला जा सकता। तो यह उनकी बड़ाई, और उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उसकी तत्काल जो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, यह भी उन्होंने मांग की। तो कहीं ना कहीं इसके तार कुछ इधर उधर से जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह निश्चित रूप से यह भी एक पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है इस ओर भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, जो मतलब मौत की वजह, हत्या की वजह बताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि हर्षराज का झगड़ा कुछ दिनों पहले एक दूसरे गुट के छात्रों के साथ हुआ था जिसमें लॉ कॉलेज और पटेल छात्रावास के छात्र थे। उन्हीं लड़कों ने आज मिलकर घेर कर हर्षराज की हत्या कर दी गई है। इतना मारा, रॉड से ही मारा, लाठी डंडे से मारा कि जब उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पटना के एएसपी शरद आरएस का वक्तव्य भी आया है, बयान भी आया है कि देखिए हाँ, विश्वविद्यालय में यह घटना घटी है, क्या कारण है हम छानबीन कर रहे हैं, दोषियों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो तनाव है उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। दो चुनाव के पहले पटना में एक छात्र नेता की हत्या हो गई है, यह बड़ी खबर और दुखद खबर। पटना विश्वविद्यालय में शांति बहाल हो, इसकी प्रार्थना, इसका अनुरोध हम सभी से करते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं, देखिए चुनावी भविष्यवाणियों का समय आ गया है। रवि सर, राजदीप सरदेसाई जो देश के बड़े पत्रकार हैं और उनकी कई बातें सटीक कही जाती है, सटीक बैठ जाती है,
तो राजदीप सरदेसाई पिछले दिनों बिहार की यात्रा पर थे, कई लोकसभा क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने इसके बाद देश के बारे में भी कहा है, सीटें नहीं बताई हैं, लेकिन बिहार के बारे में क्या कहा और देश के बारे में क्या कहा संक्षिप्त में बताएं। देखिए वो निश्चित रूप से वह जो कहे हैं बिहार में पिछले दिनों दौरे पर थे, वो चुनावी सभा में देखे गए जी, तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले बिहार में कम सीटें, एनडीए को, एनडीए तो वह एक कहीं ना कहीं कह करके, और उसके अलावा देखिए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में भी कम सीटें जी, यह भी एक उन्होंने, लेकिन हम विशेष रूप से बिहार की बात करें तो देखिए यह बात तो कही जा रही थी कि 40 में 40 नहीं होने जा रहा है, 40 में 39 नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या राजदीप सरदेसाई ने इसे सूंघने की कोशिश की कि 40 में 39 नहीं, क्या 39 से भी काफी कम सीटें आ रही है? देखिए निश्चित रूप से जो कम, ये फिगर नहीं बता रहे जी, लेकिन निश्चित रूप से वह कह रहे हैं कि बिहार में झटका लगेगा जी, यह तो देखिए कोई भी आदमी देख रहा है वह समझ में आ रहा है कि झटका झटकी होगा जी, लेकिन यह फिगर बताना चाहिए था, उनको फिगर नहीं बताया जी। अब देखिए आप दूसरा, तो देखिए मैं राजदीप सरदेसाई के बयान को मैं सुन रहा था, उन्होंने यह भी कहा है कि जेडीयू को नुकसान अधिक होने जा रहा है बिहार में और बीजेपी का नुकसान कम है। तो देखिए जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी 17 सीटों पर, तो और इसके अलावा एलजेपी 5 सीटों पर, हम पार्टी 1 सीट पर और आरएलएम 1 सीट पर, तो जेडीयू को अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार की चमक फीकी पड़ी। निश्चित रूप से जो राजदीप सरदेसाई जो बात कह रहे हैं उतनी बात से तो यही समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार की चमक फीकी पड़ी, लेकिन आप चमक फीकी पड़ी ज्ञानेश्वर जी, आप फीकी पड़ती तो नरेंद्र मोदी क्यों उनसे हाथ में, यह बात कहीं ना कहीं उनमें चमक है, यह ऊपरी सतह में दिख रहे हैं। ये आज बातचीत हम लोग दिन में भी कर रहे थे कि देखिए कुशवाहा वोट जरूर टूटे हैं जो लालू यादव ने कार्ड खेला, लेकिन जिस वोट बैंक के मालिक माने जाते हैं नीतीश कुमार, अति पिछड़ा वोट, पचपनिया वोट या फिर महादलित वोट, वह वोट तो उनके साथ इंटैक्ट रहा है। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि ऊपरी सतह पर उन्होंने देखा है, नीचे ग्राउंड रियलिटी से लगता है वो नहीं देख पाए कि नीतीश कुमार के पास वो कौन सा वोट है जो कि जादुई मैजिकल जो माने जो जुड़ता है तो होता है, और यही बात दिखाई भी पड़ती है हर चुनाव में। आप देखिए किसी भी चुनाव में नीतीश कुमार की वह धरोहर वह थाती उनके पास में, लेकिन फिर भी कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, या तो हम भी कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं और लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। आप देखिए योगेंद्र यादव बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, अब ठीक है पोल स्ट्रेटजी का काम नहीं करते हैं, वे भारत जोड़ो अभियान के संयोजक भी रहे, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे थे तब साथ थे, लेकिन हाँ गुना भाग जोड़ घटाओ वो करते हैं, और इसके बाद उन्होंने देश के लिए और बिहार के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है, बिहार में एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान बता रहे हैं, बताएंगे रवि उपाध्याय सर। देखिए योगेंद्र यादव निश्चित रूप से जो बात कही है और उसी बात को हम भरमेटम कहने जा रहे हैं जी, बिल्कुल वह कह रहे हैं बिहार में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें, मतलब 17 जीती हुई 17 पर लड़ रहे हैं तो 17 से घटकर 12 पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 5 उम्मीदवार उनके हार रहे हैं। बिल्कुल यही योगेंद्र यादव ने कहा, अब इन चेहरों की तलाश करनी होगी। देखिए योगेंद्र यादव को कई लोग कांग्रेस से जुड़ा हुआ भी मान लेते हैं, लेकिन जब वह दावा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पीछे होता है, तो अब हमें और आपको भी पता करना होगा। देखिए कई लोकसभा क्षेत्रों में हम समझते हैं कि वेरी क्लोज फाइट है बीजेपी और जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 17 में 5 सीटें बीजेपी हार रही है जी, ये योगेंद्र यादव जी। उसके बाद अब फिर आइए एनडीए में ही आइए, एनडीए में कह रहे हैं जो घटक दल है जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ रही है, लोजपा, उसके बाद से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो जेडीयू और जेडीयू, तो उन सबको मिलाकर के 10 सीट, 10 सीटों का नुकसान, मतलब कुल 15 सीटों का नुकसान हो गया। 5 सीटें बीजेपी हार रही है और 10 सीटें एलआई हार रहे हैं, एनडीए के घटक दल। हाँ, तो जाहिर तौर पर देखिए सबसे अधिक सीटें यदि गठबंधन में बीजेपी के बाद जेडीयू के पास है तो उनके पास हारने वाले सीट अधिक है। बिल्कुल, अब देखिए जैसा राजदीप सरदेसाई ने कहा, राजदीप सरदेसाई और योगेंद्र पांडे और योगेंद्र यादव को हम लोग देख लें ज्ञानेश्वर जी, तो ये 15 सीट की बात जी, 15 में तो 2 ही सीट, इसका मतलब इसका असर तो ये हुआ ना कि 25 सीटें ही बिहार में एनडीए को मिलने जा रही है, 15 यदि योगेंद्र यादव की बात को माने। देखिए लाइव सिटीज आपको बताएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक सीट का हिसाब किताब आपको बताएं। बिल्कुल, हमारा गणित, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं
और हमारा जो फीडबैक है वो हम बताएंगे। लेकिन यह योगेंद्र यादव का दावा है कि बिहार में 40 सीटों में से 15 सीटों पर एनडीए की हार होने जा रही है, 5 सीटों पर बीजेपी हार रही है और 10 सीटों पर, देखिए जीता राम मांझी गया में जीत रहे हैं यह कहा जा रहा है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा फंसे हुए हैं काराकाट में, और जेडीयू की कौन कौन सी कमजोर सीटें हैं यह भी अब पता करना होगा। योगेंद्र यादव का दावा है, और लोजपा की, जी लोजपा की, लोजपा भी 5 में 5। देखिए लोजपा का जो स्ट्राइक रेट रहा है वह 100% का रहा है 2019 में, लेकिन क्या इस बार स्ट्राइक रेट गड़बड़ हो जाएगा? देखिए वैशाली को लेकर और खगड़िया को लेकर कई तरीके की बातें चल रही है, और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 15 सीटों का नुकसान होने जा रहा है, तो ये बड़ी बात निश्चित रूप से। देश के बारे में क्या कहा योगेंद्र यादव? योगेंद्र यादव देश के बारे में भी कह रहे हैं कि जैसे योगेंद्र यादव 240 से 260 सीटें आनी चाहिए। किसको आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को। 240 से 260 मतलब बहुमत से पीछे, मैजिक फिगर 272, हाँ तो उससे पीछे। और एनडीए को बता रहे हैं कि 35 से 45, जी कांग्रेस को बता रहे हैं। तो यदि हम 35 से 45 जोड़े तो 240 न्यूनतम कह रहे हैं बीजेपी, बिल्कुल, और 35 कह रहे हैं एलाइज को, बिल्कुल, तो 275 मतलब सरकार तो बनती दिखाई पड़ रही है। और यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो 260 बीजेपी को कह रहे हैं और 45 कह रहे हैं एलाइज को, तो 305, बिल्कुल। तो फिर वही बात हुई 300 पार, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 300 पार तो है, 400 पार नहीं है, तो इसका मतलब केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो अंतिम चरण है इस चरण में यदि कुछ बदल गया, उन्होंने कांग्रेस की सीटों को लेकर भविष्यवाणी भी की है और इंडिया ब्लॉक की सीटों को लेकर कांग्रेस के बारे में कहा है ज्ञानेश्वर जी कि 85 से 100, 85 से 100 पूरे देश में, हाँ पूरे देश में 85 to 100 जी, और इंडिया माने पूरे को देख लीजिए तो 120 से 135 इसमें 85 से 100 कांग्रेस को छोड़कर जी, ये है ये इनका कहा। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि इतनी सीट पर जो है सो 85 से 100 कांग्रेस, और उसके बाद इंडिया जो है सो पूरा जो है सो अलायंस जितने लड़ रहे हैं देश भर में बिल्कुल उसमें 120 से 135, यह बात वह कहते हैं योगेंद्र यादव दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो यह अब लेकिन कुल मिलाकर के आप देखिएगा जी, तो वो जो योगेंद्र यादव के हिसाब से आपको एनडीए का जो है सो कुछ न कुछ जी मजबूती की ओर दिखाई मजबूती की ओर दिखाई पड़ रहा है जी। तो देखिए योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी, प्रशांत किशोर के बारे में आपने सुना ही है कि उन्होंने कर दिया 300 पार, और इस बात के संकेत भी दिए कि देश में मोदी की सरकार ही बनने जा रही है, और यह भी कहा कि मोदी को हराया जा सकता था, मोदी जिस तरीके से शतक लगा रहे हैं इससे उन्हें रोका जा सकता था, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की गई, और माना यह जाए कि कई कैच छोड़ दिए गए, कैच यदि नहीं छोड़े जाते तो मोदी फंस सकते थे। खैर चलिए, तो आज राहुल गांधी फिर से बिहार में थे। देखिए राहुल गांधी की यह दूसरी यात्रा थी, अंतिम यात्रा थी, वह पहली बार दूसरे चरण के चुनाव में भागलपुर आए थे अजीत शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने, और आज जब आए तो उन्होंने 3 जनसभाएं की, पटना साहिब में अंशुल अभिजीत के लिए, पाटलिपुत्र में मीसा भारती के लिए, और आरा में माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के लिए। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, उनके साथ मुकेश सहनी भी थे, और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता थे। लेकिन पालीगंज में घटना घट गई, पाटलिपुत्र में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका मंच टूटते टूटते बचा, हाँ। और मीसा भारती ने और राहुल गांधी ने एक दूसरे को हाथ पकड़कर बचाया। तो राहुल गांधी ने आज क्या संदेश दिया? देखिए वे कह रहे हैं तूफान आ रहा है, हाँ तूफान। देखिए निश्चित रूप से राहुल गांधी का आना इंडिया ब्लॉक के लिए, इससे पहले आप देखे कि आप भागलपुर में प्रचार करके निकल गए, लेकिन इस बार आए तो मीसा भारती, सुदामा जी वहां पर जो आपके माले के प्रत्याशी हो वहां, और यहाँ पर अंशुल अभिजीत के, ये तीनों को साधते हुए नजर आए। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जो रैली थे भारतीय जनता पार्टी पर ही तंज कसा है, तो यह आप वह घेरते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को जी। तो लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं राहुल गांधी के दौरे पर वे कौन हैं? वे भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। देखिए नरेंद्र मोदी कह चुके 2 दिनों पहले, बिल्कुल, कि बिहार में ही कहा उन्होंने कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, जैसे हेलीकॉप्टर राइड खत्म होगा। तेजस्वी यादव नाम नहीं लिया था लेकिन इशारा साफ साफ था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है तो जेल जाना ही होगा, बिल्कुल। तो अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं,
बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी तो निश्चित रूप से बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में उन वह किस पर तंज कसेंगे? तो वह निश्चित रूप से राहुल गांधी पर तंज कसेंगे और ये तेजस्वी यादव पर तंज करेंगे, और जो प्रधानमंत्री बोल के गए उसके बाद से तो अब तो बौछार की झड़ी लग गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से, तमाम लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि काउंटडाउन शुरू है, हेलीकॉप्टर यात्रा समाप्त होने दीजिए, अब जिस तरह से अंतिम चरण का मतदान होगा उसके बाद से फिर अब तो देखने वाली बात होगी। इधर तेजस्वी भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग को भगवान कृष्ण का तो जेल के अंदर ही जन्म, यह सब बात अब आपको दिखाई पड़ेगी कुछ दिनों तक। ज्ञानेश्वर जी चुनावी रवि सर, देश में ठाकुरों के दो सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, राजनाथ सिंह आ रहे हैं काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को जिताने, सफलता मिलेगी। पवन सिंह सामने से हैं, वे भी बहुत तैयारी से लगे हैं, लेकिन एक इतिहास भी है रवि सर कि जितने भोजपुरी अभिनेता हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और बाद में सांसद भी बने, वे पहली बार चुनाव हार गए हैं, चाहे रवि किशन हो, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो। बिल्कुल, लेकिन पवन सिंह क्या इस इतिहास को, इस ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? या फिर राजनाथ सिंह जब आ रहे हैं, राजपूतों की ही लड़ाई है काराकाट में, राजपूत वोट किसे देंगे? तो राजनाथ सिंह क्या जो वोट राजपूतों का इधर उधर दिख रहा है काराकाट में, उसे उपेंद्र कुशवाहा की ओर ले जाने में सफल होंगे? देखिए निश्चित रूप से राजनाथ सिंह का आना एक कहीं न कहीं बड़ा एक माने वहां पर आपको समीकरण बदलेगा जी, क्योंकि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी आ गए, जेपी नड्डा, सब सबका प्रोग्राम लगा हुआ, अमित शाह, सब लोग तो आकर के चले जा रहे हैं। अब इनका जो सो राजनाथ सिंह का आना निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज होगा अपने समाज के लोगों में, और राजपूत लोग उन पर विश्वास भी करते हैं कहीं ना कहीं उनको, अगर कईयों के टिकट कट रहे थे। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने बीटो लगाकर सुशील कुमार सिंह के बारे में कहा जा रहा है, राधा मोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा है, हाँ सिग्रीवाल के बारे में कहा जा रहा है, राजीव प्रताप रूडी के बारे में कहा जा रहा है, इनके टिकट तो कटने तय थे। बिल्कुल, लेकिन कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने सारे ठाकुरों को बचा लिया, सबको बचा लिया, तो यह एक मैसेज है। और ऐसे में निश्चित रूप से जब आएंगे तो वो काराकाट में जो अभी झोलझाल दिखाई पड़ रहा है वह समाप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से देखिए कोई भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा, यह बात सब लोग जान रहे हैं, तो यह अंदर खाने में सबको है। और बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, ठीक है कुछ युवा उनके साथ में प्रशंसक हैं उनके, वो साथ में हैं। बिल्कुल, तो प्रशंसक और समर्थक को तो समझना पड़ेगा, हम बार बार इस बात को बोलते हैं। तो चलिए चुनावी चर्चा का समापन यही करते हैं, आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।